कुंभ मेला को चलने दिया, तब उन्होंने कुछ हस्तक्षेप नहीं किया। फरवरी 2022 को नमस्ते ट्रंप करवाया गया गुजरात में, अहमदाबाद में, उस पर कोई रोक नहीं लगाई गई। और मार्च 2020 में मैं खुद गवाह हूं, कई सांसद मास्क पहनकर आए थे और चेयरमैन ने कहा राज्यसभा में, ये मास्क पहनना यहां वर्जित है, आप मास्क नहीं पहन सकते। और हम लोग सभी ने कहा गंभीर स्थिति है, कुछ कार्रवाई करने की जरूरत है, लॉकडाउन कीजिए। पर एक हफ्ते के लिए मोदी सरकार चुप बैठी, क्यों? क्योंकि वो व्यस्त थी कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में गिराने में। और जब वो सरकार गिरी, जब उस गिरने में एक कांग्रेस नेता का भी हाथ था जो बीजेपी में अभी मंत्री बैठे हुए हैं, बनकर बैठे हुए हैं, जब वो सरकार गिरी और शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बने, उस दिन से राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लागू किया गया। तो पहले दिन से राजनीतिकरण किया जा रहा है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं हर एक भारत यात्री डबल वैक्सीनेटेड है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, हर एक भारत यात्री डबल वैक्सीनेटेड है और कई भारत यात्रियों को बूस्टर डोज भी मिला है। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा ही सबसे बड़ा बूस्टर डोज है, हम सबको बूस्टर डोज मिला है। एक केस नहीं है भारत जोड़ो यात्रा में कोविड का अब तक।